हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन बंसोड और मैंने आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 CBT 2 और टाइपिंग क्वालिफाई किया है। और अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल बचा हुआ है जो मेरा 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इसी एनटीपीसी के जो मेरी जो जर्नी है वही मैं आपसे शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के पहले मैं आपको जो IBOP जो एकेडमी है उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है वीडियो बनाने के, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपको छोटा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है करके। मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सबसे पहले मैंने शुरुआत SSC CGL से ही की। और 2000 जो मेरा NTPC जो एग्जाम जो निकला है वो 2019 फेब में आया था, तो मैंने SSC और NTPC की प्रिपरेशन दोनों साथ में करी है। थोड़ा सा प्रिपरेशन के पहले मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि बहुत कई ऐसी फैमिली होती है जो मतलब टाइम नहीं देती है बच्चों को ज्यादा प्रिपरेशन के लिए। लेकिन SSC रहे चाहे NTPC रहे चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम रहे, वो आपसे टाइम मांगता है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरा एग्जाम निकला है तो उसमें मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उन्होंने मुझे टाइम दिया है। क्योंकि NTPC का जो प्रोसेस है एक्चुअल में वो है तो 1 से 2 साल का, लेकिन कोविड की वजह से इसमें बहुत टाइम लग गया, 4 साल लग गए। फिर भी फैमिली वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं बताना चाहूंगा फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने मतलब कैसे मैं CBT 1 CBT 2 और टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाया। तो सबसे पहले तो जो भी चाहे मैथ्स रहे चाहे रीजनिंग रहे, उनके मैंने सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। 6 से 8 मैंने मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में लगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरे जितना कट ऑफ जाता है, एक मिनिमम कट ऑफ जो होता है, मतलब अगर 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो आपको मिनिमम 70-75 मार्क्स तो चाहिए, लेकिन मुझे उसके आसपास भी नहीं आ रहे थे। तो भी मैंने मतलब मॉक देना छोड़ा नहीं और मैंने इरेश सर से भी एडवाइस ली कि क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि आपको मॉक देते रहना है, जितना ज्यादा आप मॉक दोगे धीरे धीरे आपका उतना प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैंने मॉक देना छोड़ा नहीं और मैं अपने प्रैक्टिस करता रहा और मेरे धीरे धीरे नंबर भी बढ़ने लग गए। और जब क्वेश्चन आप इतनी बार किसी क्वेश्चन को बार बार लगा लोगे तो आपको वो दिमाग में आ जाएगा, तो आपको मॉक देना बहुत जरूरी है। और मॉक के साथ में अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, तो आपको GS और करंट अफेयर पे आपकी कमांड रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा डेली रूटीन रहता था कि मुझे डेली के जो अपडेट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो डेली मुझे करने होते थे, उनके मैं नोट्स बनाता था प्रॉपर और उनको डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन मैं रिवाइज करता था, उनका रिविजन डेली करता था। जब तक कि एग्जाम का टाइम नहीं आ गया था तब तक मैं डेली करंट अफेयर हो गया, आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन जो रहते हैं प्रीवियस ईयर के, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में, उनको भी डेली करता था। तो उससे मेरा धीरे धीरे GK स्ट्रांग होता गया और मॉक से मुझे ये पता चलते गया कि कौन से मेरे टॉपिक वीक है। धीरे धीरे जब मैंने उन पे काम किया तो मेरा वो भी स्ट्रांग हुआ। तो आप लोग जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको मॉक देना स्टार्ट करना है। आपके मॉक में कितने भी नंबर आए उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको देते रहना है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और डेली मॉक देना है, तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हार्डवर्क आपका कंटिन्यू रखना है। RRB NTPC के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में RRB NTPC RRB है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि आपका रेलवे में जितने भी टाइप की वैकेंसीज होती है पोस्ट होती है उसमें वो भर्ती करता है, जिसमें से एक NTPC है जो आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है पॉपुलर कैटेगरी में, जिसमें आपके आती है लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 की जॉब रहती है।
इसमें कुछ पोस्ट आपकी टाइपिंग की रहती है, कुछ नॉन टाइपिंग की पोस्ट रहती है। नॉन टाइपिंग की पोस्ट में आपके स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, और आपका टाइपिंग पोस्ट में है आपका JAA यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो 2019 फैब में इसका नोटिफिकेशन आया जिसमें 35,000 अराउंड वैकेंसीज थी, और तभी से मैंने मतलब SSC तो मेरा साथ में प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन मैंने NTPC को भी साथ में तैयारी करता रहा। और 2020 तक इसका एग्जाम नहीं हुआ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, लेकिन दिसंबर 2020 में CBT 1 का जब एग्जाम हुआ तो मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं था पर मैं क्वालिफाई हो गया। लेकिन उसके बाद मैं IBOP एकेडमी से जुड़ा, जहाँ पे मैंने अपने जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे मैंने इरेश सर रविश सर के साथ शेयर किए, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस पे कैसे काम करना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर मैंने जब उनके गाइडेंस में जब CBT 2 की प्रिपरेशन की तो मेरे मार्क्स भी बढ़े और मुझे अच्छे नंबर मिले, और मैंने फिर उसके बाद मैं टाइपिंग के लिए भी क्वालिफाई हुआ। मैंने लेवल 6 का एग्जाम जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है उसमें भी मैंने CBT 2 में अच्छे मार्क्स लिए, बट मेरा मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं साइको टेस्ट का एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन मेरा टाइपिंग क्वालिफाई होने की वजह से मैं टाइपिंग की जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफाई हुआ। तो टाइपिंग क्वालिफाई हुआ और उसमें सबसे बड़ा योगदान इरेश सर का रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प करी है और इसके लिए मैं IBOP को थैंक यू बोलूँगा। जो RRB NTPC में जो जाना चाहते हैं, जो या रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं, उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी हो जाए हार्ड वर्क करना छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी मार्क्स बढ़ते नहीं है तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हो तो आप वीकली 2 या 3 मॉक दो, पर उसको एनालिसिस करने के लिए आप ज़्यादा टाइम दो और आप देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं पर आप उस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नंबर अगर हमें अच्छे लाने मेरिट लिस्ट में लाना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना भी आना ज़रूरी है। तो आप अपना तरीका चेंज कर सकते हैं, आप पता करो कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन रहे चाहे रीजनिंग का। तो आपको और ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से पता चलेगी, तो आप मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस प्रॉपर करो तो ही आपको जो आप चाहते हो, जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और लास्ट में मैं IBOP एकेडमी इरेश सर महेश सर और रवि सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने CBT 2 के लिए मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है और उनकी हेल्प से ही मैं CBT 2 भी निकाल पाया। उन्होंने मुझे टाइपिंग के कैसे बिना कोई क्लास ज्वाइन करे घर पे कैसे प्रैक्टिस करना, इसमें भी उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से बेहतर आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।